चैप्टर एट ही है, ठीक है? मनी क्या होता है? मनी मनी में सब कुछ भी थी जो कुछ चाहते हैं तो चाहते हैं मनी क्या जो चीज से चाहते हैं तो हाँ जो चीज आता है जो चीज चाहते हैं वो मनी दे ठीक हाँ ओके ये बेसिक डेफिनेशन मनी का तो बेसिकली मनी पे हम बात करेंगे कि क्या है और कैसे बना ठीक है शुरुआत से तो आपको लगता है कि आज शुरू में तो नहीं होगा ऐसा कॉइन ये सब धीरे धीरे बना ना तो आज उस पर बात करेगा मनी कोई भी चीज ऐसा चीज जिसका आप रिकॉर्ड भी रख सकते हैं ना जैसे किसी भी चीज का अगर बुक्स का रिकॉर्ड रखना है यहाँ पे कितना बुक्स है 1 2 3 4 5 6 रिकॉर्ड रख सकता है ना कि 6 बुक्स तो ऐसी मनी कोई भी चीज जिसका रिकॉर्ड रख सकता है और जिससे आप कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज माने गुड्स यानी चीज गुड गुड तो अच्छा हुआ ना गुड्स नाउन यानी कोई भी थिंग एंड सर्विस सर्विस माने जैसे एग्जांपल सर्विस गुड्स नाउन होगा ना हमेशा कि जैसे अगर मैं आपको बुक दे रहा हूँ या चॉक दे रहा हूँ या ये दे रहा हूँ सर्विस सर्विस वर्ब के रूप में होगा जैसे टीचिंग सर्विस है ना स्टडी और बाकी क्या है जैसे ड्राइविंग सर्विस है जो बस वाला आप लोगों को चला रहा है बस यहाँ से बरामद छोड़ रहा है तो उसके लिए आप क्या करते हैं टिकट लेते हैं ना तो क्या कर रहा है बेसिकली उसके सर्विस के लिए आप पैसा दे रहे हैं पे कर रहा है पेमेंट तो मनी बेसिकली जिस जो भी चीज या फिर जिस चीज का हाँ रिकॉर्ड रख सकता है जो चीज से आप पेमेंट कर सकता है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हर चीज गुड्स एंड सर्विसेज है ना जैसे मुझे आपसे अगर इंसान से मुझे या तो आपसे कोई चीज चाहिए या फिर आपसे कोई सर्विस चाहिए जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि हाँ मैं लेट हो रहा हूँ आप प्लीज ये चाबी लेके देवेंद्र सर को दे दे ये भी आप एक सर्विस कर रहे हैं एक तरह से है ना उसके लिए मैं आपको पे नहीं कर रहा लेकिन सर्विस है ना तो कोई भी गुड्स एंड सर्विस सर्विस इज और फॉर एग्जांपल दो वेजिटेबल तो गुड्स हो गया लेबर हाँ वो सर्विस कर रहा है काम कर रहा है ना उसके लिए उसको क्या मिल रहा है पेमेंट पैसा है ना होटल में कहीं जाता है आप आपको कोई जो वेटर है खाना लाके दे रहा है उसको सैलरी मिल रहा है उस सर्विस के लिए तो सर्विस जो भी आप काम करता है और गुड जो भी चीज आप एक दूसरे से खरीदना चाह रहे हैं तो मनी वो है जिससे भी आप गुड्स किसी भी गुड या सर्विस के लिए पेमेंट कर सकते हैं ठीक मनी का बेसिक डेफिनेशन ये और पहले एक देश है जैसे इंडिया में कौन सा मनी चलता है नहीं मनी पैसा कौन सा चलता है करेंसी रुपया वैसे अमेरिका में डॉलर डॉलर है ना और क्या है हाँ जापान में येन रशिया में कुछ और हाँ मैं भी भूल गया क्या होता है पाकिस्तान में रुपया पाकिस्तान में रुपया पाकिस्तानी रुपया इंडियन रुपया नेपाली रुपया अलग अलग ठीक है इंडिया में हाँ तो जैसे 1 रुपी इंडिया का 1 रुपी 64 डॉलर के बराबर है इंडिया का 1 रुपी नहीं सॉरी इंडिया का 64 रुपीज 1 डॉलर के बराबर है तो इससे मतलब क्या हुआ कौन सा रुपी कौन सा करेंसी ज्यादा वैल्यू है कीमत कौन सा है किसका ज्यादा है डॉलर का ना एक डॉलर दे और कितना 64 रुपीज मिलेगा वैसे इंडिया का मान लो शायद 5 या 10 रुपीज नहीं इंडिया का 1 रुपी 5 या 10 नेपाली रुपीज के बराबर है तो इसमें क्या है इंडिया का करेंसी ज्यादा पावरफुल है ज्यादा वैल्यू है ना तो हर देश अपना मनी डिसाइड करता है कि रुपया चलाना है डॉलर चलाना है इन सब के बारे में और बात करें अभी बस मनी का बात करें फिर एक और चीज है क्या है मनी सप्लाई सप्लाई माने क्या होता है सप्लाई हाँ मैं समझा नहीं
सप्लाई बेसिक किसी भी, अभी इस क्लास में कितना बुक्स का कितना सप्लाई है, जितना भी बुक्स आपको दिख रहा है वो सप्लाई है एक तरह से। शीलू के दुकान में मिक्सर का कितना सप्लाई है, जितना सारा मिक्सर है वो सप्लाई है ना, एक किसी एक चीज का कितना नंबर आपके पास है। तो मनी सप्लाई यानी कि देश में, एक देश जैसे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, उसमें उस देश में कितना मनी है, उस वो क्या होता है, दो पार्ट है उसका। एक तो करेंसी, करेंसी माने जो नोट या फिर पॉइंट है ना, जो पैसा आप टच कर सकता है, देख सकता है, हाथ में पकड़ सकता है। और दूसरा बैंक मनी, जो कि हाथ में नहीं होता है, वो बस रिकॉर्ड होता है ना, है ना। करेंसी, नोट और कॉइन। बैंक, बैंक में क्या है, रिकॉर्ड होता है। पहले नहीं, कैश ये है, दोनों मनी है, लेकिन बैंक में क्या है, जैसे रिकॉर्ड रखता है, कंप्यूटर में रखता है आजकल, है ना, रिकॉर्ड। जैसे क्या है, अगर आप 10,000 रुपए ले रहे हैं नोट में, 2,000 का 5 नोट बैंक में ले जाके दे रहा है, तो क्या है, मैंने वो पैसा उनको दे दिया, वो लोग क्या करता है उस पैसे का, मेरा अकाउंट में रिकॉर्ड बना देगा, 10,000 रुपए लिख देगा और मेरे अकाउंट में 10,000 है, चाहे मेरे हाथ में नहीं है, समझ रहा है ना। हाँ, बैंक में जो रिकॉर्ड रखा है यानी कि 10,000 है, लेकिन असल में वहां 10,000 मेरे पास नहीं है, मेरा बैंक में है। तो ये मनी है, दो पार्ट है ना मनी का, या तो जो बैंक में जो चीज मनी जिसको आप हाथ में नहीं पकड़ सकते, रिकॉर्ड, और करेंसी जो मार्केट में घूम रहा है जिससे आप चीजें खरीद रहे हो, है ना। और धीरे धीरे एक और नया चीज हो रही है, वर्चुअल मनी। वर्चुअल मनी क्या, जैसे इंटरनेट में बैंकिंग ये सब आप पेटीएम ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको भूल जाइए, ये भी बैंक के ही काम आ गया मान लो, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के क्या हो जाता है, आपको पता लग जाता है कि एक कंट्री में कितना मनी है, ये मनी सप्लाई। ठीक, बात करें कि धीरे धीरे मनी इस सिस्टम, ये अभी हमारा अभी का सिस्टम है ना, इस सिस्टम में हम पहुंचा गए थे, क्योंकि हर चीज में हमको हिस्ट्री देखना चाहिए। तो शुरुआत में जैसे कई हजारों साल, लाख साल पहले क्या था, मुझे जैसे हम दो लोग एक जगह में रह रहे हैं, मुझे ब्रांची से कुछ चीज चाहिए, जैसे हाँ ब्रांची का डॉग चाहिए, ब्रांची के पास एक डॉग है, मुझे ब्रांची का डॉग चाहिए, कैसे लेगा। अगर तुम्हें मेरे से कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें वो डॉग ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, फिर अगर उसको मुझसे कुछ नहीं चाहिए, फिर क्या कर सकता है, या फिर मैं चाहता हूँ कि हाँ ब्रांची मेरे फील्ड में आके काम करे, मेरे लिए सर्विस दे, है ना, या तो चीज या सर्विस, तो कैसे लेगा, ब्रांची का मन नहीं है, या फिर वो बोल रहा है कि नहीं मुझे, अगर तुम्हारा खेत में काम करने के लिए मुझे तुम्हारा घर चाहिए पूरा, कैसे करेगा। कई चीजें, एक तो या तो ट्रस्ट पे काम कर सकता है, ट्रस्ट क्या होता है, विश्वास, या तो मैं बोलूंगा कि तुम आके मेरा खेत में काम कर लो, मैं तुमको रोज एक साल तक खाना दे देगा, कल को हो सकता है मैं मना कर दूं, मैं नहीं दे रहा है, लेकिन ब्रांची काम कर चुका है, तो क्या विश्वास पे काम चल रहा है ना, ब्रांची होता है ठीक है मैं तुम्हारा काम करेगा, लेकिन अब एक साल तक तू मेरे को देगा, कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तब तक, कुछ लीगल वो नहीं है, कोर्ट नहीं है, विश्वास पे काम चल रहा है ना, मैं बोलता मैं तुमको ये चीज देगा, वो मान लेता है। दूसरा क्या, वायलेंस, मैं इसको मार के काम करवा सकता है ना। और तीसरा थेफ्ट, अगर मुझे इसका कुत्ता चाहिए तो मैं चोरी कर सकता है, लेकिन ये सिस्टम ज्यादा नहीं चल सकता ना, आपस में सब लड़ने लग जाएगा, काम कुछ नहीं हो पाएगा। तो धीरे धीरे बार्टर, सबसे पहला चीज क्या है, बार्टर। बार्टर बहुत सिंपल चीज, BARTER, यानी वही चीज, जैसे अगर मुझे ब्रांची का पेन चाहिए, पेन तो, और मैं उसको ये दस्तर दे देता हूं, ठीक, ये बार्टर हुआ, एक चीज के दूसरे दूसरा चीज। लेकिन इसमें भी बार्टर में प्रॉब्लम क्या है, अगर इसको ये डस्टर नहीं चाहिए तो, है ना, या फिर ये बोलता है एक पेन के लिए मुझे दो डस्टर चाहिए,
वो वैल्यू कैसे है, वैल्यू समझता है ना, कीमत मूल्य कैसे पता लगेगा किसी चीज का, बार्टर का ये प्रॉब्लम था। ठीक, तो फिर लोगों ने सोचा नहीं कुछ और सिस्टम बनाना पड़ेगा, तो वहां से धीरे धीरे एक चीज आया क्या, इसको बोलते हैं हम कमोडिटी मनी। यानी जो भी कोई वस्तु है जिसका काफी वैल्यू है, जैसे क्या गोल्ड सिल्वर इन सब का वैल्यू है ना, तो इसी को पैसा बना दिया, जैसे गोल्ड कॉइन बना दिया, सिल्वर कॉइन बना दिया, या फिर एक था शेल, शेल समझता है ना, कौड़ी शेल, अरे जो सी शेल नहीं होता है, शंख है ना, हाँ शंख छोटा छोटा, तो वो भी पहले कॉइन्स की तरह यूज होता था, उसका वैल्यू था, उसका लोग वैल्यू समझता था। तो इस सिस्टम में क्या हुआ बेसिकली, कि जैसे अगर मेरे पास गोल्ड कॉइन है 10 ग्राम का, 10 ग्राम का गोल्ड है, तो मैं बोलेगा मुझे अपना पेन दे दो, वो पेन का वैल्यू क्या है 5 ग्राम है गोल्ड, तो मैं बोलेगा मैं तुम ये 10 ग्राम का गोल्ड कॉइन रखो और मुझे 2 पेन दे दो। ठीक है, इसमें क्या है वैल्यू जिस चीज का, अभी जैसे जो अभी का जो मनी है आपका, अभी जो बैंक नोट है जिसमें 100 रुपए लिखा है, उसका अपना तो कुछ वैल्यू नहीं है ना, कागज है, वो बस वैल्यू क्यों आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है कि ये पैसा है। शुरुआत में क्या था, गोल्ड जो है, जो करेंसी आपका, जो गोल्ड आप यूज करें उसी का मूल्य है ना, अभी तो पेपर है, पेपर का कोई मूल्य नहीं, गोल्ड का मूल्य है, कौड़ी का मूल्य है, तो वैसे एक्सचेंज होता था। ठीक है, तो ये सब अराउंड 4-5 हजार साल से चलने लग गया था ये चीज। ठीक है, मेसोपोटामिया में, ग्रीस में, इजिप्ट, ये सब में, कि गोल्ड के थ्रू, कि इस चीज का इसका कोई वैल्यू नहीं है, है ना, लेकिन अगर मान लो ये गोल्ड है तो इसमें एक्सचेंज कर सकता है। तो धीरे धीरे, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है, जैसे अगर मुझे कुछ बड़ा चीज खरीदना है, मुझे 100 किलोग्राम धान राइस खरीदना है, तो अब उसका वैल्यू सोचो अगर 100 गोल्ड पॉइंट है या फिर 1000 गोल्ड पॉइंट है, तो अब मैं 1000 गोल्ड पॉइंट समझ रहा कितना भारी हो गया, इतना ज्यादा, तो ऐसे उठा के ले जाना पड़ेगा, और हो सकता है रास्ते में कोई चोरी कर ले, है ना, जैसे मैं यहाँ से ले जा रहा हूँ, रास्ते में कोई डाकू आके मेरे से चोरी कर गया, सारा पैसा गया ना, सारा गोल्ड गया, तो इसलिए फिर एक नया सिस्टम आया वहां से धीरे धीरे, रिप्रेजेंटेटिव मनी। रिप्रेजेंटेटिव मनी में क्या हो गया, असल गोल्ड की जगह आप कुछ और यूज करने लगे, जैसे जैसे अगर मैं कोई शॉप चला रहा है, शीलू शॉप चलाता है, या फिर एक बैंक है, तो मेरे पास 100 गोल्ड कॉइंस है, मैं बिरांची बैंक है, ठीक है, बिरांची बैंक वाला है, 100 गोल्ड कॉइंस मैं बिरांची को दे देता हूँ, और वो एक रसीद दे देता है, मैं रसीद समझना, रसीद, हाँ, एक रसीद जिसमें लिखा है कि 100 गोल्ड कॉइंस है। अब मैं पैसा बिरांची के पास है बैंक में, मैं उससे वो रसीद ले लिया जिसमें 100 गोल्ड कॉइंस, तो गोल्ड उसके पास है, लेकिन वैल्यू मूल्य अब इस पेपर का हो गया जो रिसीट है ना, 100 गोल्ड पॉइंट्स। अब जाके मैं शीलू को बोल देता हूँ कि मुझे 50 गोल्ड पॉइंट्स का सामान दे दो और ये रिसीट रख लो, तो वो क्या करता है, 50 गोल्ड पॉइंट्स दे देता है और रिसीट, एक रिसीट रख लिया उसने ये, ठीक, और 50 गोल्ड पॉइंट्स मेरे को दे देता है। तो अब क्या हो, ये रिसीट जो 100 गोल्ड पॉइंट्स ब्रांची दिया था, अब शीलू या विश्वजीत जो शॉप चला रहा है, वो ये रिसीट ले जाके बिरांची को देगा और बिरांची इसको 100 गोल्ड पॉइंट दे देगा, समझ गया, है ना। इससे क्या फायदा है कि मेरे को एक तो 100 गोल्ड पॉइंट उठाना नहीं पड़ रहा है, और दूसरा अगर मेरे से कोई चोरी भी कर लेता है तो मैं वापिस जाके बिरांची को बोल सकता हूँ मुझे एक नया रिसीट दे दो, है ना, समझ गया ये चीज। तो इसी को ये हाँ, तो अभी समझ रहे ना, वैल्यू अभी भी पेपर का कुछ नहीं, ये बस रिसीट है, वैल्यू मूल्य अभी भी गोल्ड से आ रहा है, लेकिन गोल्ड बैंक में है या दुकान में है, है ना, आप बस पैसा ये कागज यूज कर रहे हैं, रिसीट। तो ये सिस्टम चाइना में शुरू हो गया था कुछ हजार 2000 साल पहले शुरू हो गया था, ये 5000 ईयर्स से चल रहा है, ये 1,00,000 साल से चल रहा है, ये कुछ 2000 ईयर पहले से शुरू हो गया। ठीक है, और वहीं से हाँ चाइना में ये
पेपर मनी बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं पेपर मनी रिसीट। धीरे धीरे चाइना का राजा बोला कि बस बैंक वैंक नहीं, स्टेट स्टेट यानी राजा खुद ही इश्यू करेगा। यानी कि अगर जैसे मैं नागरिक हूँ, सिटीजन हूँ और बिराची राजा है, तो मैं राजा के पास जाके बोलेगा आप मेरा सोना रखो, और राजा एक नोट दे देगा। ठीक, तो पूरा जो देश है जो चाइना में, बस वही नोट चलेगा और किसी का नोट नहीं चलेगा, बस वही नोट चलेगा। समझ गया ना, जैसे अभी का सिस्टम है। और वहीं से दूसरे टाइम क्या है, इस्लामिक वर्ल्ड यानी अरेबिया, कुवैत, ये सब जगह में बैंक शुरू हो गया था, उधारी लोन ये सब शुरू। लोन समझते हैं ना, हाँ, क्या होता है लोन? लोन क्या होता है? लोन जो लोन आने के बाद काम होता है, हां, जैसे लोन आने से लोन काम करने के बाद आने और जो करना हो करते हैं, इंटरेस्ट देना है। जैसे बिराची बैंक है, मैं बोलता हूँ मुझे 10,000 रुपए लोन चाहिए, तो तुम मुझे 10,000 रुपए लोन दे देगा, लेकिन 3 महीने बाद मेरे को 10,000 रुपए वापस करना है एट प्लस कुछ इंटरेस्ट, जैसे 100 रुपया 200 रुपया। ठीक, उसी से बैंक चलता है। ठीक है, बैंक का बारे बाद में बात करेंगे, लेकिन बैंक का बेसिक दो काम होता है। एक डिपॉजिट लेता है, जैसे जो हम डिपॉजिट करते हैं अकाउंट में, और दूसरा क्या करता है, लोन देता है, है ना। तो लोन दे के वो क्या कमाता है, इंटरेस्ट कमाता है, और डिपॉजिट लेके क्या करता है, इंटरेस्ट देता है। वही है ना, जैसे जब मैं बैंक में दूसरा ऐसा है कि मैं उधर ये 10,000 रुपए मेरा अकाउंट में रख दो, एक साल बाद बैंक मुझे 10,000 रुपए के साथ 100 रुपए इंटरेस्ट दे देगा। तो बैंक का बाद में बात करेंगे। तो बैंक वैंक का सिस्टम, लोन का सिस्टम यहाँ शुरू हो गया था अरेबिया ये सब में। ठीक, फाइनली फिर कुछ 700 साल पहले यानी 1300-1200 में ये सिस्टम चाइना का सिस्टम यूरोप पहुंच गया था, क्योंकि यूरोप का लोग जो घूम रहा था इधर उधर, मार्को पोलो जैसा लोग, वो उन्होंने बोला अच्छा यहाँ पे ऐसा सिस्टम हो रहा है, ये अच्छा है, हम लोग अभी भी सोने का सिक्का ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो पेपर मनी का आइडिया वापस लाए यूरोप में, और कुछ 500 साल पहले यूरोप में भी ये सिस्टम आ गया। फिर उसके बाद फाइनली एक और नेक्स्ट चीज आया अराउंड 300 साल पहले, 300 इयर्स बिफोर, उसका क्या था, गोल्ड स्टैंडर्ड। अब गोल्ड स्टैंडर्ड में क्या था, 300 साल पहले यानी क्या, 1600 से लेकर 1700-1800 है ना, इस टाइम में क्या हो रहा था दुनिया में 1600-1800 में यूरोप में खासकर, इसने बात किया हमको कॉलोनियलिज्म, क्या होता है कॉलोनियलिज्म, हाँ 1600-1800 में जितना भी यूरोप का देश था, नेवी शिप लेके दुनिया के अलग अलग कोना में जाके उनपे हाँ शासन करने लग गया, ट्रेड करने लग गया, है ना, ट्रेड व्यापार करने लग गया, है ना। तो इतना ज्यादा पूरे दुनिया में व्यापार होने लग गया था, तो इस पैसे का भी लिमिटेशन उनको पता लगा, उनको पता लगा कि ऐसा एक नया सिस्टम बनाना पड़ेगा जो पूरे दुनिया में चल सकता है। तो उससे आया क्या, गोल्ड स्टैंडर्ड। अब गोल्ड स्टैंडर्ड का क्या मतलब है कि जो नोट बनता है, जैसे ये नोट है, ये 100 रुपए का नोट है, इसमें 100 लिखा है, तो इसका मतलब कि 100 ग्राम सोने के बराबर है ये। ठीक है ना, 100 ग्राम सोने के बराबर है। लेकिन इसको आप जो पुराना वाला रिप्रेजेंटेटिव मनी था उसमें, तब भी अगर मैं बैंक में जाता हूँ बोलता हूँ ये लो 100 रुपए का नोट, तो बैंक मेरे को 100 ग्राम जो वैल्यू है वो गोल्ड दे देगा। लेकिन अब आप क्योंकि गोल्ड पैसा तो आप कितना भी छाप सकता है ना, मनी तो पेपर आप कितना भी छाप सकता है, लेकिन गोल्ड लिमिटेड है, आफ्टर वाइल आप और गोल्ड नहीं ला सकता ना। तो इसमें अब नया सिस्टम गोल्ड स्टैंडर्ड में क्या, आप गोल्ड को बदल नहीं सकता है। अगर मैं बोलूंगा 100 रुपए, अभी अगर आप सोचो अगर बैंक में जाएगा SBI में और बोलेगा ये 1000 रुपए लो, 2000 का नोट लो और मुझे 2000 रुपीज का गोल्ड लो, वो नहीं देगा, है ना। तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड में यही था कि बैंक में आप अपना जमा कर देगा पैसा, तो हर नोट का गोल्ड में वैल्यू है, लेकिन आप वो गोल्ड नहीं ले सकता है, वो उसी वैल्यू को आपस में ट्रेड कर सकता है, वापस गोल्ड नहीं लेगा। जैसे अब ये दो नोट है, 10 रुपए का नोट है, 20 रुपए का नोट है, एक में आपको 1 ग्राम गोल्ड मिलेगा, दूसरे में 2 ग्राम गोल्ड का मूल्य है,
ये मेरे को बैंक दिया है, लेकिन मैं वापस बैंक जाके गोल्ड नहीं ले सकता, लेकिन वैसे ही मैं आपके पास जाके बोलेगा कि हाँ ये देखो इतना ये नोट है, आप इसके बदले में मुझे ये बुक दे दो, तो आप गोल्ड हट गए, गोल्ड का एक्सचेंज नहीं होगा, बस पैसे का एक्सचेंज होगा जो अभी का सिस्टम है ना। लेकिन अभी भी पैसे का मूल्य कहाँ से आ रहा है? गोल्ड से है ना, लेकिन वो गोल्ड अब गवर्नमेंट के पास है, बैंक में हमारे पास नहीं है। पहले हम ले सकता था बैंक से, अब नहीं ले सकता है ना, क्योंकि गोल्ड लिमिटेड है, गोल्ड खत्म हो सकता है। अब बस इस नोट का वैल्यू है करेंसी का, ठीक। तो बाय द 20th सेंचुरी यानी 1900 तक हर दुनिया में सब देशों ने गोल्ड स्टैंडर्ड लगा लिया था, जिससे क्या है कि बस जो गवर्नमेंट बोल देती है अपना स्टैंप लगा देती है एक बैंक नोट पे कि ये हमारा इस कंट्री में ये करेंसी चलेगा, आप उस पे व्यापार कर सकते हैं। फाइनली फिर क्या वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 45 वर्ल्ड वॉर टू। अब वर्ल्ड वॉर टू में क्या हुआ, बहुत वॉर में क्या होता है, बहुत खर्चा होता है, बहुत पैसा चाहिए सब, और फिर इन्होंने डिसाइड किया कि अब गोल्ड की जरूरत ही नहीं है, गोल्ड को आप क्यों मूल्य दे रहे हैं। तो अब से क्या है, गोल्ड से पहले क्या है, पैसे का वैल्यू फिर भी गोल्ड से आ रहा था है ना, जहां से अब गोल्ड को हटा दे सिस्टम से, अब पैसे का वैल्यू बस सरकार के ऑर्डर से आ रहा है, सरकार नोट छापती है उस पर अपना स्टैंप लगा के बोलते है कि इस कंट्री में बस यही पैसा यूज होगा, अगर किसी को आपको गुड्स खरीदना है, सर्विसेज खरीदना है, तो बस आप इसी नोट या कॉइन से यूज कर सकते हैं ना। अभी जो कॉइन है वो क्या है, निकल का बना होता है या एल्यूमिनियम स्टील का बना होता है ना, उसका आप ज्यादा कुछ वैल्यू नहीं है, गोल्ड नहीं है ना। पहले क्या था, गोल्ड अगर 10 ग्राम गोल्ड कॉइन है तो उसका वैल्यू उतना ही है, अब 5 रुपए का वैल्यू बस स्टेट के वहां से आ रहा है, सरकार से, सरकार जो बोलती है स्टैंप लगाती है 5 रुपए 500 रुपए, गोल्ड का कुछ काम नहीं है ना। तो ये सिस्टम है अभी। तो इसको क्या बोलते हैं, अभी जो सिस्टम चल रहा है इसको बोलता है फिएट मनी, FIAT, फिएट मतलब ऑर्डर, सरकार का कोई ऑफिशियल ऑर्डर। तो वही ये सबसे पहले क्या था, बार्टर, फिर कमोडिटी मनी, फिर रिप्रेजेंटेटिव मनी, फिर गोल्ड स्टैंडर्ड, और फाइनली फिएट मनी। फिएट मनी फिएट का मतलब ऑर्डर, सरकार का ऑर्डर। तो फिएट मनी बेसिकली वो पैसा जो अपना मूल्य सरकार के ऑर्डर से लेता है, गोल्ड से नहीं लेता है। डिफरेंस क्या हुआ, हाँ फाइनली रिकैप करता है, कमोडिटी मनी माने जिसका कमोडिटी मनी क्या, जो पैसा जिसका मूल्य कहाँ से आ रहा है उसी में ही है, जैसे गोल्ड कॉइन उसका मूल्य कहीं और से नहीं आ रहा था, वो अपने में ही मूल्य है उसका, गोल्ड है क्योंकि गोल्ड का बना है, तो वो कमोडिटी मनी। रिप्रेजेंटेटिव मनी यानी अभी भी वैल्यू गोल्ड से आ रहा है, मूल्य गोल्ड से आ रहा है, लेकिन उसका अपने रिप्रेजेंटेटिव, यानी रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, या फिर मॉनिटर, जैसे सनातन मॉनिटर है इस क्लास का, कोई 10th बी का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, सनातन रिप्रेजेंटेटिव यानी नहीं, मीनिंग देखो, कमोडिटी मनी क्लियर है ना, यानी गोल्ड कॉइन या फिर कॉडी शेल मनी, शेल गोल्ड ये सब कॉइन, जिस मनी का मूल्य उसी चीज में है ना। गोल्ड कॉइन है तो गोल्ड कॉइन का मूल्य तो उसी के अंदर है ना, और कहीं बाहर से नहीं आ रहा है मूल्य। अब रिप्रेजेंटेटिव का मतलब देखो, किसी चीज का सिंबल, जैसे हाँ रुको इस पे बार बार हम बात कर सकते, ये क्या है सन, तो ये क्या है सन का रिप्रेजेंटेटिव, सन तो ऊपर है, ये सन नहीं है ना, ये रिप्रेजेंटेटिव। वैसे ही रिप्रेजेंटेटिव मनी जो रिसीट है, कागज का रिसीट,
जो कि किसका रिप्रेजेंटेटिव है, गोल्ड का। हाँ, तो ये बेसिक डिफरेंस है। कमोडिटी मनी गोल्ड कॉइन, जिसका मूल्य उसी के अंदर है, है ना। रिप्रेजेंटेटिव मनी कागज, जिसका मूल्य गोल्ड से आ रहा है। वैसे ही फिर गोल्ड स्टैंडर्ड, यानी अभी रिप्रेजेंटेटिव मनी हाँ, और गोल्ड, उसके बाद गोल्ड स्टैंडर्ड को थोड़ा और वो सिस्टम अच्छा बना दिया, यानी आप बिल्कुल जितना जो आपका पैसा है उसका डायरेक्ट, यानी तो अगर 10 रुपए का नोट है तो उसमें 1 ग्राम गोल्ड, तो एकदम प्रिसाइज सिस्टम बना दिया। रिप्रेजेंटेटिव मनी और गोल्ड स्टैंडर्ड एक ही है, यानी ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव मनी के बाद गोल्ड स्टैंडर्ड, और फाइनली फिएट मनी। फिएट मनी में क्या है, इसका कोई मूल्य किसी चीज से नहीं जुड़ा है, बस सरकार मूल्य बना रही है, सरकार स्टैंप दे दिया, सरकार ऑर्डर दे दिया, है ना। तो फिर से ये तीन चीज है, एक 1 कमोडिटी मनी, 2 रिप्रेजेंटेटिव मनी, 3 फिएट मनी। कमोडिटी मनी जिसका मूल्य उसी के अंदर है ना, गोल्ड कॉइन। रिप्रेजेंटेटिव मनी कागज, जिसका मूल्य गोल्ड से आ रहा है, बाहर से किसी और चीज से आ रहा है। और फिएट सरकार बोल रही है, सरकार ने ऑर्डर दिया कि जितना भी आपको पेमेंट करना है इस देश में इस पैसा से होगा, ठीक। तो ये डिफरेंस। हाँ, तो लास्ट एक दो बात करता है उसके बाद। ये तो बेसिकली अब हिस्ट्री हो गया मनी का, समझ गया ना आप ये कैसे अभी हम अब इस सिस्टम में, अभी फिएट मनी का सिस्टम है ना। हाँ, धीरे धीरे और भी नया चीजें हैं, आप देख रहे हो हर चीज की तरह क्या है, एवोल्यूशन है ना, ये भी विकास धीरे धीरे ऐसे हुआ। इतना 1 लाख साल पहले बस बार्टर होता था, बार्टर समझा था ना, एक्सचेंज चीजों का। 1 लाख साल लगा है यहाँ तक पहुंचे हैं, अगले 10,000 साल में क्या होगा क्या पता, हमें नहीं पता। अभी भी मनी का सिस्टम बदल रहा है, जैसे अब आपको पता इंटरनेट में बैंकिंग हो रहा है, अलग अलग चीजें हो रही है, तो हो सकता है कल को बिल्कुल कुछ सिस्टम बदल जाए। अब इसी पे थोड़ा गोल्ड इस पे बात करते हैं, ठीक। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जैसे अब जब तक आप गोल्ड या सिल्वर पैसा यूज कर रहे थे तो मनी सप्लाई याद है ना, कि एक देश में कितना पैसा है। तो अब जब तक आप गोल्ड और सिल्वर पैसा यूज कर रहे हैं, तो आप अगर उस अपने कंट्री का पैसा बढ़ाना है, मान लो आप कंट्री में ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, ज्यादा चीजें बन रही है, ज्यादा होटल बन गया, ज्यादा सर्विसेज हो रहा है, तो आपको उसके पेमेंट के लिए और पैसा चाहिए, है ना, है ना। पहले मान लो बस 10 शॉप था और 100 लोग हैं कंट्री या फिर सिटी में, तो वहां पे शायद उनको ज्यादा पैसे का जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर 30 शॉप बन गया और पॉपुलेशन भी बढ़ गया, 500 हो गया, तो अब आपको और करेंसी चाहिए ना, जिससे लोग एक दूसरे को पेमेंट कर सकता है। तो आप जब अगर आप बस गोल्ड और सिल्वर यूज कर रहा है, तो और पैसा कहाँ से लाएगा, कैसे बनाएगा। गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स यूज कर रहा है तो कहाँ से लाएगा और पैसा, गोल्ड और वो माइनिंग करना पड़ेगा ना, निकालना पड़ेगा और गोल्ड, तभी आप पैसा बढ़ा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, ये क्या है, कमोडिटी मनी का, है ना। और इवन गोल्ड स्टैंडर्ड और रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि अभी भी वैल्यू तो कहाँ से आ रहा है, मूल्य। हाँ, जब तक आप और गोल्ड बैंक में नहीं डाल सकते, तब तक आप और नोट नहीं बना सकते, है ना, इसके हिसाब से। इसीलिए फिर हमको फिएट मनी पे आना पड़ा, क्योंकि एंड में क्या है, गोल्ड और सिल्वर कम है ना दुनिया में, तो इसलिए ये प्रॉब्लम था। तो इसी का एक और एग्जांपल है, तो अब मान लो बीच बीच में कभी होता है कि गोल्ड रश होता है, गोल्ड रश, कि एक टाइम आता है जब एक जगह में आपको एकदम से बहुत सारा गोल्ड मिल गया, है ना, माइनिंग करते हुए। तो ऐसे टाइम में क्या होगा, गोल्ड बढ़ जाएगा, है ना, गोल्ड का सप्लाई बढ़ जाएगा, और जब सप्लाई बढ़ जाता है तो क्या होता है, हाँ, वैल्यू, तो गोल्ड का वैल्यू कम हो गया, है ना। अब उससे क्या होगा, गोल्ड का वैल्यू अगर कम हो गया तो इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन माने महंगाई, महंगाई, चीजों का वैल्यू, प्राइस बढ़ जाएगा। कैसे, जैसे आप अगर मुझे पहले एक डस्टर खरीदने के लिए 1 गोल्ड कॉइन देना पड़ता था, अब क्योंकि गोल्ड का वैल्यू कम हो गया, तो अब शायद उस डस्टर को खरीदने के लिए मेरे को 2 गोल्ड कॉइन देना पड़ता है ना। वैसे ही पूरा उल्टा सिस्टम क्या होगा, अगर अब जैसे अगर आपको नया गोल्ड सिल्वर नहीं मिल रहा, माइनिंग हो ही नहीं पा रहा, लेकिन
इकोनॉमी बढ़ते जा रहा है, यानी अब 50 शॉप्स हो गया, लोग हजार हो गया, तो क्या होगा, थोड़े टाइम बाद गोल्ड क्योंकि कम हो गया है लेकिन डिमांड ज्यादा है, डिमांड सप्लाई अभी डिमांड, अगर डिमांड गोल्ड का बढ़ गया तो क्या होगा, गोल्ड का वैल्यू का क्या होगा, हाँ गोल्ड का प्राइस भी बढ़ जाएगा। ये बेसिक इकोनॉमिक्स है, ठीक है, बेसिक इकोनॉमिक्स। जैसे शिलू का एग्जांपल दिया ना मैंने, अगर आपको रोज बाकी सब कुछ खा, क्या है, कोई मिक्सचर नहीं खा रहा है, बस जगन्नाथ मिक्सचर खा रहा है, तो क्या होगा, धीरे धीरे बाकी मिक्सचर का प्राइस कम हो जाएगा, और जगन्नाथ मिक्सचर का हो सकता है 10 रुपए की जगह 15 रुपीज, 12 रुपए हो जाए, है ना, तो इकोनॉमिक्स है जैसे। तो फिर क्या होगा, डिफ्लेशन, डिफ्लेशन यानी दाम कम हो जाएगा चीजों का, क्योंकि अब गोल्ड ज्यादा है ना, तो नहीं गोल्ड के लिए डिमांड ज्यादा है, गोल्ड तो कम है वैल्यू, गोल्ड का हाँ डिमांड ज्यादा है, तो अब क्या होगा, गोल्ड असर खरीदने के लिए शायद मेरे को अब हाफ गोल्ड मार्केट मिल जाएगा, है ना। और अभी भी यही सिस्टम है, यानी जब क्या होता है, मनी अगर देश में अगर पैसा ज्यादा है तो लोग ज्यादा खरीदने लग जाता है, ज्यादा खरीदने लगेगा तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा, और वैसे ही उल्टा है ना, तो यही सब कौन कंट्रोल करता है। अब आजकल अब तो हमारा गोल्ड सिल्वर पे डिपेंडेंट नहीं है मनी सप्लाई, तो अब मॉडर्न दुनिया में क्या है, पैसा तो आप कितना भी छाप सकते हैं ना, तो गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, मनी सप्लाई कैसे करना है, आरबीआई है, जैसे आरबीआई नोट छापता है, लेकिन इतना आसान नहीं है ना कि आप बस नोट छापते जाए, आपको ये सब भी सोचना है, इन्फ्लेशन क्या होगा, डिफ्लेशन क्या होगा, गरीबी होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, तो सरकार और आरबीआई डिसाइड करता है इस टाइम पे हम इतना नोट छापेंगे, इतना नोट हटा लेंगे मार्केट से, या फिर अभी क्या है नोटबंदी हुआ था, ये सब चीजें सरकार डिसाइड करती है देश का मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए, है ना। मनी सप्लाई कंट्रोल करने से बहुत कुछ हो सकता है, आप इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्रोल कर सकता है कि कितना फैक्ट्री बने, कितना लोगों को काम मिले, अनएम्प्लॉयमेंट रोक सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट समझा जॉब नहीं होती है ना, ये सब कर सकता है। और अगर इस चीज को मनी सप्लाई को सरकार ढंग से कंट्रोल ना करे तो बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे क्या दाम बढ़ जाएगा, या फिर कम हो जाएगा, या बिल्कुल लोग गरीब हो जाएगा, लोग अमीर हो जाएगा, बहुत कुछ हो सकता है। इवन एक ऐसा टाइम आ सकता है जब यानी बिल्कुल इतना इन्फ्लेशन हो जाए कि जैसे आपको एक डस्टर खरीदने के लिए 10 लाख रुपए देना पड़ेगा, क्योंकि उस क्या है, क्योंकि उस करेंसी का वैल्यू नहीं रहा। जैसे 1991 में जब यूएसएसआर है ना, यूएसएसआर जब रशिया बन गया था, इसके बारे में पढ़ा आपने, पहले एक सोवियत यूनियन था, इसके बाद 91 के बाद वो रशिया बन गया था और अलग अलग टूट गया था, तो ठीक है, जो भी बेसिकली जब प्रॉब्लम के टाइम में, तो वहां पे ऐसा हो गया था कि तो क्या हो, बेसिकली करेंसी का वैल्यू नहीं रहा ना उस चीज में, क्योंकि मान लो आप कल को एक एग्जाम्पल देता है, आरबीआई बोलता है कि हम 100, अब इतना बड़ा देश है तो इसलिए 100,000 बिलियन इतना नोट हम छाप दे रहे हैं इंडियन करेंसी में, ठीक है, 2,000 रुपए का नोट है, अब ये सब छाप देगा तो क्या होगा, एकदम से मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा है, लोग खरीदने लग जाएगा बहुत कुछ, धीरे धीरे दाम इतना बढ़ते रहेगा कि आपको एक ब्रेड खरीदने के लिए शायद 10,000 रुपए देना पड़ेगा, तो ये सब चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और ये सरकार कंट्रोल करके सब कुछ मनी सप्लाई, टैक्स कैसे लगाना है, कितना टैक्स देना है, आरबीआई कितना है, कितना मशीनें होना चाहिए, कितना फैक्ट्रीज होना चाहिए, लाइसेंस किसको देगा, ये सब मनी सप्लाई कंट्रोल, ठीक है सरकार।